लड़ रहा हूं मैं, झगड़ रहा हूं, खुद से जीतने की नाकाम कोशिश बार बार करे जा रहा हूं। हर बार मैं हार रहा हूं, टूट रहा हूं मैं, बिखर रहा हूं, दिल और सपनों के टुकड़ों को समेटे जा रहा हूं। दुनिया घूम ली, माँ से महफूज जगह कोई मिली नहीं, बाप से भले ही हर रोज लड़ लो, पर उनके जितना सच्चा और तुम्हारा अच्छा चाहने वाला और कोई मिलेगा नहीं। एक तूफान मेरा सब कुछ बिखेर ले गया, मुझसे मेरा मैं तक छीन गया। सोचा रिश्तों की तरह ख्वाबों से भी एक तरफा प्यार कर लिया जाए, फिर समझ आया कि पूरी तरह से बिखर जाने की भी एक खूबसूरती है कि जो अब कुछ भी नहीं रहा वो या तो अब कुछ भी बन सकता है या तो कुछ भी नहीं, उसकी मर्जी। फिर क्या था, उठा ली अपनी बिखरी हुई शख्सियत के टुकड़े, सोचा कर दूंगा सब सही फिर से कोशिश करके, पर दिल और दिमाग के तो थे आंसू भरे मुखड़े। बहुत समझाया पर मानना कहाँ था, सब हार क्या गए, देवदास की तरह गम जो मनाना था। फिर मारी खुद को एक चपेट, घसीट कर ले गया खुद को शीशे की तरफ। बता क्या हो गया, मर गया है तू, सांसें चल रही है ना, तो क्यों मुर्दों की तरह पड़ा हुआ है। गहरी सांस ले, आंसू पोंछ, तो क्या हो गया यार, अगर हक्का नहीं मिला तो सब कुछ छोड़ देगा, खुद से किया हुआ वो वादा तोड़ देगा, सपनों से मुंह मोड़ लेगा साले गद्दार। पत्थर के सामने हाथ जोड़ना बंद कर, खड़ा हो और चल काम कर। मैं क्यों तू फीलिंग्स में उलझ जाता है, क्यों खुद को इतना बेबस और छोटा मान लेता है। इन सारी फीलिंग्स, इमोशंस, अटैचमेंट, सक्सेस, फेलियर, हारना जीतना, इन सबसे परे है तू, एकमात्र दृष्टा, अबे बाप है तू सबका। होश में आ, पहचान खुद को, देख खुद की विशालता। कौन है तू, एक लूजर जो हार गया है, फीलिंग्स में उलझ के निकम्मों की तरह पड़ा हुआ है, या एक वॉरियर जो गहरे से गहरा घाव सहकर भी लड़ने के लिए फिर तैयार खड़ा है। अमावस्या की रात है तू, या फिर वो सूरज जो स्वयं रोज जलकर लोगों की जिंदगी में सवेरा लाता है, वो दिल जो समंदर सा बड़ा है, जहाँ पर नफरत का खंजर भोंकने पर भी सिर्फ इश्क निकलता है, वह तू वो आवाज है जो दिलों को छू के रूह तक पहुँच के जिंदगियां बदलती है, उम्मीद लाती है। क्या नहीं है तू, पूरा होकर भी क्यों अधूरा बनता है, अपने ही ख्वाबों से बेवफाई करके उनको यूं छोड़ के खुद से ही क्यों तू यूं मुंह मोड़ता है। अब आंसू और मत बहाना, जितना रोना था रो लिया भाई, खड़ा हो चल, पैन उठा, काम पे लग। डर रहा है ना तू फिर से नई कहानी लिखने से, ये सोचकर कि अगर ये वाली अधूरी रह गई तो क्या हो गया यार, अगर अधूरी रह गई तो अधूरी ही सही, लिख तो सही। अरे भले ही समय किताब ही क्यों ना जला दे, कुछ खूबसूरत सा लिख, भले ही अधूरा ही सही। और वैसे भी सबसे खूबसूरत कहानियां तो अक्सर ही अधूरी होती है ना यार।